हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियरिंग एंड पोएट्री यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको नॉलेज मिलती है प्यार से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाइब्रिड कार्स के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिड कार क्या होती हैं, इनकी वर्किंग कैसे होती है, और ये हाइब्रिड कार कितने तरह की होती है, इनका टाइप्स कितने होते हैं। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि हाइब्रिड कार में जो हमारी बैटरी यूज होती है, इन बैटरीज को हम कैसे चार्ज करते हैं। और साथ में ये भी बताऊंगा कि इन हाइब्रिड कार के एडवांटेजेस क्या होते हैं और इनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइब्रिड कार क्या होती है, किन्हें कहते हैं हाइब्रिड कार। तो दोस्तों, जो हमारी आम कार होती है या नॉर्मल कार होती है, ये जो होती है इनमें सिर्फ एक ही पावर सोर्स होता है हमारी गाड़ी को चलाने के लिए। लेकिन जो हमारी हाइब्रिड कार्स होती हैं, ये थोड़ी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इसमें दो या दो से ज्यादा सोर्स होते हैं पावर के गाड़ी को चलाने के लिए। पहला सोर्स हमारा आईसी इंजन हो सकता है, इंटरनल कंबसन इंजन, और दूसरा सोर्स हमारा जो होता है वो होता है बैटरी, यानी हमारी जो इलेक्ट्रिकल बैटरी होती है जिसे हम डीसी पे चलाएंगे, वो बैटरी का यूज करके हम इन गाड़ियों को चलाते हैं। और इन गाड़ियों को हम हाइब्रिड कार कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा पावर सोर्स हो गाड़ी को चलाने के लिए। अब बात करें कि हाइब्रिड कार कितने तरह की होती हैं, तो मैं आपको बता दूं हाइब्रिड कार मेनली दो तरह की होती हैं। पहला है सीरीज हाइब्रिड कार और दूसरा है हमारा पैरेलल हाइब्रिड कार। अब मैं एक एक करके इनको बताऊंगा कि इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और इनकी वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सीरीज हाइब्रिड कार के बारे में। तो सीरीज हाइब्रिड कार का जो कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें सबसे पहले पीछे हमारा जो होता है फ्यूल टैंक होता है, जहां पे फ्यूल भरा जाता है, और फिर वो कनेक्ट होता है हमारा जाके हमारे इंजन से, और इंजन जो होता है वो कनेक्ट होता है जनरेटर से, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और जो हमारा जनरेटर होता है वो कनेक्ट होता है पावर बस कंट्रोलर से, जो कि एक टाइप का कंप्यूटर होता है, जो कि कमांड रखता है कि पावर जो होगी जनरेटर से मिलने वाली कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाए, क्योंकि वो कनेक्ट होता है हमारा पहला मोटर से और दूसरा होता है बैटरी से। जो हमारी मोटर होती है वो कनेक्ट होती है हमारी व्हील से, जो कि व्हील को पावर पहुंचाती है जिससे हमारी गाड़ी चलती है। और दूसरा जो हमारा पावर बस कंट्रोलर दूसरे पार्ट से कनेक्ट होता है वो होता है बैटरी। तो बैटरी क्या करता है, बैटरी पावर को सेव कर लेता है जब हमारी गाड़ी को ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसको वो बाद में यूज करता है जब गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है एक्स्ट्रा पावर की, जिससे हमारी गाड़ी का माइलेज बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है वो हम सही से यूज करते हैं, वेस्टेज कम कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी सीरीज हाइब्रिड कार होती हैं, इनकी वर्किंग कैसे होती है। तो हमारी ये जो सीरीज हाइब्रिड कार होती है, इनमें तीन मोड होते हैं। एक तो होता है पहला इंजन मोड, जब हमारी गाड़ी को इंजन से पावर मिल रही होती है, दूसरा होता है बैटरी मोड, और तीसरा होता है इंजन और बैटरी के दोनों मिक्सर से जब ये गाड़ी चल रही होती है, दोनों के कंबिनेशन से चल रही होती है। तो सबसे पहले इंजन मोड से, तो इंजन मोड में क्या होता है, जब हमारी गाड़ी इंजन मोड में चल रही होती है तो उस वक्त हमारा जो इंजन होता है वो फ्यूल के द्वारा, एयर फ्यूल के मिक्सचर के द्वारा कंबशन करके गाड़ी को पावर प्रोड्यूस करता है, और उस पावर को वो जनरेटर को भेज देता है इंजन। और जनरेटर क्या करता है, तो इंजन से पावर प्रोड्यूस होती है वो एक मैकेनिकल पावर होती है, और उस मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के बाद जनरेटर उस पावर को हमारे पावर बस कंट्रोलर में भेज देता है, और पावर बस कंट्रोलर क्या करता है, गाड़ी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पावर को मोटर में भेज देता है, और मोटर व्हील को भेज के हमारी गाड़ी को रन करवाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब गाड़ी को ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो पावर कंट्रोलर साथ में ये भी करता है, पावर बस कंट्रोलर वो कुछ पावर्स को हमारे बैटरी में भेजता है, और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी पावर को मोटर में भेजता रहता है। इस तरह से हमारी गाड़ी चलती है। अब सेकेंड मोड की बात करें, जब हमारी गाड़ी बैटरी मोड पे चल रही होती है, जब हमारी गाड़ी स्लो स्पीड में होती है और वो हमारी इंजन मोड से बैटरी मोड में आ जाती है, तो उस वक्त हमारा इंजन जो होता है वो बिल्कुल भी पावर प्रोड्यूस नहीं करता, और हमारी जो गाड़ी होती है वो फुली बैटरी मोड पे चलती है। जो पावर हमारे इंजन प्रोड्यूस करता है और पावर बस कंट्रोलर उसे बैटरी में भेज देता है, वो सेव हुई एनर्जी इस टाइम पे यूज होती है, और इस सेव हुई एनर्जी को बैटरी पावर बस कंट्रोलर को दोबारा भेजता है, जिसे वो मोटर में भेज देता है, और हमारी गाड़ी चलती है। ये स्लो स्पीड में होती है। लेकिन अब इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है पॉइंट, वो होता है हमारा बैटरी और इंजन के दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी गाड़ी चलती है। तब क्या होता है, जब हमारी गाड़ी काफी हाई स्पीड में होती है तो उस वक्त हमारे इंजन को बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है, तो इस वक्त क्या करते हैं, हमारी जो बैटरी होती है उसकी भी पावर का यूज होता है, और साथ में हमारा आईसी इंजन जो होता है
वो भी पावर को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमें ज्यादा अमाउंट में पावर चाहिए होती है गाड़ी को चलाने के लिए। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पावर बस कंट्रोलर को पावर दी जाती है और वो हमारे मोटर को देता है, और जो मोटर हमारी पावर को वो सेंड करता है हमारे इसमें हमारे व्हील्स में, और वो व्हील्स रन करते हैं जिसमें ट्रांसमिशन सिस्टम सब कुछ मिला के मैं व्हील्स बोल रहा हूँ उसको सेंड करते हैं, जिससे हमारी गाड़ी चलती है। अब इसके बाद हम बात करें कि सीरीज हाइब्रिड कार क्या होती हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पैरेलल हाइब्रिड कार क्या होती हैं और इनके कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, मतलब इनकी वर्किंग क्या होती है। जो हमारा पैरेलल हाइब्रिड कार होती हैं, ये हमारी पैरेलल ही होती हैं, मीन समांतर होते हैं, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं एक दूसरे से सीरीज कार से अलग होते हैं, थोड़े सीरीज हाइब्रिड कार से थोड़े अलग होते हैं। इसमें जो हमारा फ्यूल पंप होता है वो फ्यूल टैंक से कनेक्ट होकर इंजन के पास आता है, और इंजन डायरेक्टली हमारा जो पावर होता है वो ट्रांसमिशन को भेज देता है, जिसमें हमारा हमारा पावर बस कंट्रोलर वगैरह लगे होते हैं, लेकिन इसमें हमारा जनरेटर का यूज नहीं होता है। और साथ में दूसरी तरफ हमारा इसमें बैटरी लगा होता है, और वो बैटरी हमारा कनेक्ट होता है मोटर से, और मोटर हमारा कनेक्ट होता है हमारे ट्रांसमिशन से, ठीक है, ट्रांसमिशन से कनेक्ट होता है। और इसमें भी सेम वैसे ही मोड होता है, जब हमारी गाड़ी इंजन मोड पे होती है, इंजन से पावर प्रोड्यूस होकर पावर मिलती है गाड़ी को, जिससे हमारी गाड़ी चलती है। और जब बैटरी में होती है तो बैटरी मोड से, तो बैटरी से पावर मिलकर हमारी गाड़ी को चलाते हैं, लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन का मोड होता है तो दोनों की पावर का यूज करके, मीन्स इंजन और बैटरी दोनों की पावर का यूज करके हम अपनी गाड़ी को रन करते हैं। तो ये था हमारा पैरेलल हाइब्रिड कार। तो अब इन दोनों कारों से हमें क्या पता चला, इसमें बैटरी यूज होती है। तो इस बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं, तो सबसे पहला रीजन तो यही हो गया कि जब हमारी गाड़ी को ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो जो हमारा पावर बस कंट्रोलर होता है, जिसे माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं, जो एक कंप्यूटर होता है, वो पावर को बैटरी को भेज देता है, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है। इसके अलावा और क्या सिस्टम है, जब हमारी गाड़ी खड़ी होती है, यानी कि जब हम अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं एकदम से, तो उस ब्रेकिंग फोर्स का यूज करके हमारा जो मोटर होता है हमारी गाड़ी का, वो जनरेटर में कन्वर्ट होके हमारी गाड़ी के इंजन को पावर की रिक्वायरमेंट को वो भेज देता है, हमारी पावर को हमारी बैटरी को। यानी जो हमारा मोटर होता है, जब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक मारते हैं, तो उस वक्त हमारा मोटर जनरेटर में कन्वर्ट होके वो उस पावर को उठा के, उस ब्रेकिंग पावर को, ब्रेकिंग फोर्स को उठा के हमारी बैटरी को दे देता है, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। अब इसके बाद हमारा एक और पॉइंट है कि हमारी बैटरी कैसे चार्ज होती है। थर्ड पॉइंट है कि हम डायरेक्टली हमारी जो बैटरी होती है, जैसे हम पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, वैसे ही हमारा हम बैटरी को चार्ज करवा लेते हैं हमारे पंप्स पे, जहाँ पे बैटरी चार्जर पंप्स होते हैं, वहां पे हम जाके इजिली से चार्ज करवा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी हाइब्रिड कार्स होती हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी हाइब्रिड कार होती हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो जो हमारी हाइब्रिड कार होती हैं, ये हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और बैटरीज होती हैं, बड़ी बड़ी लगती थी पहले गाड़ियों में, उनको कम कर देती है। यानी जो डिपेंडेंसी होती है हमारी फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल पे, उसको कम करती है। साथ में ये भी कम करती है कि हमारी जो गाड़ियां होती हैं, इसमें बड़ी बड़ी बैटरी यूज ना हो। अब इसका जो सेकेंड पॉइंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर एक गाड़ी बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन करती है, तो जो ये हमारी हाइब्रिड कार होती है, ये कम पॉल्यूशन करती है, क्योंकि इसमें हमारी जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो दो सोर्सेस से मिल जाती है। तो इसमें ज्यादा कंबसन नहीं होता है हमारे फ्यूल्स का, जिससे हमारी बर्निंग होती है और उससे हमारा पॉल्यूशन होता था। तो ये लेस पॉल्यूटिंग कारें होती हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें जो थर्ड एडवांटेज है, ये जो इसमें ब्रेकिंग पावर से हमें पावर मिलती है, ये हमें रीजनरेशन ऑफ पावर देती है, यानी कि हमें पावर की बचत हमारी गाड़ी से भी हमें मिल जाती है, जब हम ब्रेक भी लगाते हैं तो भी हमें पावर मिलती है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट एडवांटेज है, वो है जो हमारी ये गाड़ियां होती है हाइब्रिड कार, इनके जो इंजन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, एज कम्पेयर टू हमारी जो फ्यूल वाली गाड़ियां होती है, पेट्रोल डीजल वाली, जिसमें सिंगल पावर सोर्स होता है, उसके मुकाबले। और साथ में ये इंजन ज्यादा एफिशिएंट भी होते हैं। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एडवांटेज है, वो है जो हमारी हाइब्रिड कार होती हैं, वो लॉन्गर रेंज रखता है एज कम्पेयर टू हमारे इलेक्ट्रिकल कार्स के। यानी जो हमारी इलेक्ट्रिकल कार्स होती हैं, जिसमें सिर्फ बैटरी मोड होता है, वो ज्यादा दूरी तक तय नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू हमारे हाइब्रिड कार के मुकाबले। अब ये थे इसके एडवांटेजेस, लेकिन अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले, जो हमारी हाइब्रिड कार होती है, इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जो काफी महंगे होते हैं।
तो इनके महंगे होने की वजह से इसकी जो कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट होती है गाड़ी की, वो बढ़ जाती है। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है लेस इलेक्ट्रिक ड्राइव, यानी बैटरी मोड पे जो हमारी ये गाड़ी होती है इसको हम बहुत ही कम दूरी तक चला सकते हैं। मीन्स लंबे दूरी तक ना रिकमेंड किया जा सकता है और ना ही इसे चलाया जा सकता है। ये इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। अब इसके बाद जो इसका डिसएडवांटेज है वो है इसके पार्ट्स के ऊपर। जो हमारा ये हाइब्रिड कार होता है इनमें हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स यूज होते हैं, बैटरी यूज होती हैं और इंजन में भी अलग अलग कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं इनको सही से वर्क करने के लिए। इससे क्या होता है हमारी गाड़ी का टोटल वेट बढ़ जाता है, और टोटल वेट बढ़ने से क्या होता है हमारी जो नॉर्मल कार्स होती हैं जिसमें सिर्फ सिंगल सोर्स वाली पावर होती है उनका वेट, और अगर हम हाइब्रिड कार्स का वेट हम कंपेयर करें तो हाइब्रिड कार ज्यादा भारी होती हैं। तो ये था हमारा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया हाइब्रिड कार क्या होती है, हाइब्रिड कार के टाइप्स क्या होते हैं, हाइब्रिड कार कैसे काम करती है, और हाइब्रिड कार्स में जो बैटरी लगी होती है वो कैसे चार्ज होती है, और साथ में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताया हाइब्रिड कार्स के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके बताएं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।